हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में रियलिस्टिक हेयर एंड बियर्ड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, चार्कोल पेंसिल का इस्तेमाल करके हेयर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। पहले मैं लाइटली सबको शेड करूंगा, मैं लाइटली स्ट्रोक लगा रहा हूं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये मेजर करना है कि कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे लाइट एरियाज हैं, और आपको हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स लगाने चाहिए। आपको फोटो को ऑब्जर्व करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो रियल टाइम में नहीं है, रियल टाइम में मुझे इसे ड्रॉ करने में लगभग 25 मिनट्स लगे थे। मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो यूट्यूब पे डालते नहीं, देखना कोई पसंद ही नहीं करता ज़्यादा लंबी वीडियो, सो इसलिए मैंने इसके थोड़ा फास्ट कर रखा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं सबसे पहले लाइटली शेड कर रहा हूँ। मैं कार्ट्रेज पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी हल्के हाथ से इसमें स्ट्रोक लगा रहा हूँ, आपको ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से स्ट्रोक लगाने हैं और फोटो को ऑब्जर्व करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफ़ी हल्के हाथ से इसे शेड कर रहा हूँ। अब मैं फिर से एक बार चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। दोबारा से स्ट्रोक लगाऊंगा मैं, इस बार मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करूंगा। आप देख सकते हो मैं खाली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको सिंपली हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने हैं, ज्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है पहले। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है ये, और आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे लाइट एरियाज है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से इसे ब्लेंड करूँगा, मैं फिर से ब्रश का ही इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हो लगभग मेरे बियर्ड शेड हो चुके हैं, ब्लेंड हो चुके हैं। मैं बियर्ड बनाना स्टार्ट करूँगा। वैसे मैं थर्ड का इस्तेमाल करूँगा, पहले मैं लाइटली शेड करूँगा, उसके बाद मैं डार्कली शेड करूँगा। आपको एक एक हेयर की डायरेक्शन में देखना है बस, आप ऐसे स्ट्रोक लगाते रहो और अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। मुझे पता है रियलिस्टिक ड्रॉ करने में काफ़ी दिक्कत आती है, पहले मुझे भी काफ़ी दिक्कत आती है, अभी भी आती है मुझे।
बस आपको बीएड में भी यही ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे लाइट है, और आपको बिल्कुल हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने सारे। और इसके लिए आपकी पेंसिल एकदम साफ होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से स्ट्रोक लगा पाओ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे एक बार ब्लेंड करूँगा। मैं इसके बाद फिर से इसमें स्ट्रोक लगाऊंगा। सो फ्रेंड्स, यही एक मेथड था मतलब रियलिस्टिक ड्रॉ कर सक करने का। आप इस मेथड का इस्तेमाल करके रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लगभग मेरी वीडियो पूरी हो गई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।